गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अब मैं आज आपको चैप्टर एयर था अभी फिलहाल छोड़ा है क्योंकि अवकल समीकरण इसलिए सिखा रही हूँ। इसमें जो आपका है, ये जो चैप्टर है, इसमें आपका अवकलन और जो समाकलन है वो पूरा रिपीट होगा, इसलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप पहले अवकल समीकरण सीख लीजिए, इसके बाद हम समाकलन के अनुप्रयोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अवकल समीकरण किसे कहते हैं, इसमें देखिए क्या होता है। अवकल समीकरण में हम दो चर लेके चलते हैं, एक तो स्वतंत्र चर और दूसरा लेते हैं परतंत्र चर, यानी आश्रित चर भी कहते हैं इसे, परतंत्र या आश्रित चर। इसका मतलब आपके पास जो अवकल समीकरण होंगे उसमें कम से कम दो चर होने जरूरी हैं। अब दो चर जो भी होंगे उसमें से एक स्वतंत्र होगा, एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हमने कहा हमारे पास एक स्वतंत्र चर x है, एक परतंत्र चर यानी आश्रित चर y है, और इसके मैं परतंत्र चर का यानी आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अगर किसी समीकरण में आपका सम्मिलित है तो उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। मीन्स एक ऐसी समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर तथा आश्रित चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन सम्मिलित हो तो उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्वतंत्र चर लिया है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया 2। अब इसमें मैंने स्वतंत्र चर क्या लिया था x, और यहाँ पर परतंत्र चर दो चर हो गए, दो चर तो होने जरूरी हैं, और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन सम्मिलित है तो ये आपकी क्या हो गई, अवकल समीकरण। अगर मैं इसमें कह दूं y आपका स्वतंत्र चर है और x परतंत्र चर है तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन इस टाइप से लिख रहे हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि हमने x को परतंत्र चर यानी आश्रित चर कहा था। तो एक ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा स्वतंत्र आश्रित चर परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन सम्मिलित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसी में कोटि आती है। कोटि हम कहते हैं किसी अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकल गुणांक की उच्च कोटि को उसका समीकरण की कोटि कहते हैं। मीन्स आपके पास इक्वेशंस ऐसे दी होंगी, अधिकतम जितनी बार आपने उसमें अवकलन किया होगा वो आपकी अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे मैंने कह दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, एक मैंने कह दिया यहाँ पर वाई ट्रिपल डैस प्लस वाई डबल चार बार डैस प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो हम देखिए इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया, दो बार, तो इसकी कोटि क्या हो गई, दो। यहाँ तीन बार और यहाँ पर चार बार अधिकतम अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, चार। यानी जितनी बार अधिकतम अवकलन करेंगे वो ही इस अवकल समीकरण की कोटि होगी। अब अवकल समीकरण एक दो कंडीशन में डिफाइन नहीं होगी, कब, यानी उसकी घात डिफाइन नहीं होगी, उस समय कोटि हम डिफाइन करेंगे, घात को डिफाइन नहीं करेंगे। घात क्या है भी बता दें कि अवकल समीकरण में आपका साइन डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म नहीं आना चाहिए, ऐसी कॉस नहीं होना चाहिए, लॉग नहीं होना चाहिए, ई की पावर तो क्या नहीं होगा यहाँ पर। मीन्स अगर आपके पास फलन है तो या तो इसमें साइन वाई होना चाहिए या साइन एक्स या कॉस वाई स्क्वायर प्लस वन, इस टाइप का फॉर्म होना चाहिए, लेकिन अवकल का फॉर्म नहीं होना चाहिए। जब आपका इस टाइप का फॉर्म अगर अवकल समीकरण में आ गया, कोटि तो आप परिभाषित कर सकते हो लेकिन घात को परिभाषित नहीं करेंगे, ठीक है। अब घात होती, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो कोटि होती है वह आपकी हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी, ठीक है। फिर इसी में अवकल समीकरण की घात आती है। अवकल समीकरण की घात क्या होती है, किसी अवकल समीकरण की घात अवकल समीकरण में सम्मिलित अवकल गुणांक की उच्चतम घात की घात होती है। कोटि अगर आपको समझ में आ गई है तो अवकल गुणांक की उच्चतम घात क्या होगी, देखिए जैसे मैं यहाँ पर दो इक्वेशन लिख रही हूँ, वाई डबल डैश की पावर 3 प्लस वाई डैश की पावर 2 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू एक्स, एक मैंने लिख दिया है वाई क्यूब की पावर 4, एक यहाँ लिख दिया है वाई की पावर 4 डैश का स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वाई। अगर मैं इसमें कोटि पूछूं तो अधिकतम कितनी बार अवकलन है, दो बार, इसमें कोटि हो जाएगी दो, इसमें कितनी बार है अधिकतम, तीन बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, तीन। अब आपको बस अगर आपने कोटि डिफाइन कर दी है तो घात उच्चतम कोटि की घात को ही हम
इसकी घात कहते हैं, यानी यहाँ पर कितनी हो गई, 3। अब देखिए नहीं तो y की घात 4 थी, तो हम इसे नहीं लेंगे, हम उच्चतम घात को नहीं लेंगे, कोटि की घात को ही अवकल समीकरण की घात कहते हैं। जैसे इसमें ये कोटि थी, लेकिन यहाँ देखिए इसकी घात कितनी, 4, यहाँ 2 है, इस 4 से छोटी है, लेकिन फिर भी जो कोटि वाला टर्म है उसी की घात आपकी अवकल समीकरण की घात कहलाती है। और किसी अवकल समीकरण की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है, ये भी कोटि भी धनात्मक पूर्णांक और आपकी घात भी क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी। और अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपके पास dy अपॉन dx प्लस cos dy अपॉन dx इक्वल टू 0 हो जाए, तो कोटि तो आप 1 कहोगे, लेकिन इसकी घात परिभाषित नहीं करोगे, क्योंकि अवकल गुणांक के रूप में इसको हम परिभाषित नहीं मानते हैं। कोटि तो आप कह देंगे कि 1 है, लेकिन इसकी घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और इस ये पहली एक्सरसाइज में आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें 9.1 इजी है एक्सरसाइज। इसमें आपसे कहा है 1 से 10 तक प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि और घात बताइए। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि सबसे अधिकतम बार अवकलन कितनी बार किया गया है, 4 बार, तो कोटि कितनी हो गई इसकी, 4, कोटि कितनी हो गई, 4। लेकिन अब इसमें देखिए अवकल गुणांकों को बहुपद के में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर y" और y" को आप क्या लिखते हो, dy(dx³) और साइन के साथ आया है, तो घात को हम यहाँ पर परिभाषित नहीं करेंगे। इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, 1 बार, तो कोटि क्या होगी, 1, घात इसी की घात यानी 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1। इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, अब यहाँ पर 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2, और इसकी घात कितनी हो गई, 1, तो इस पूरे अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी, 1। तो इस प्रकार आप आज 9.1 एक्सरसाइज को करेंगे, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं।